नमस्कार, मैं हूं पारुल गंगवार और आप देख रहे हैं यूपी की आवाज। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। As you are aware, I have been taking personal pain to ensure that footwear industry, the leather industry, is revitalized in India. 2,600 crore package is now getting implemented in various stages, which has many components, which will ensure that leather industry become competitive globally. I really would have been very happy to participate, but I wish you all the best because of my other engagement. Congratulations to you. मीट एट आगरा का 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया तथा जूता व्यवसायी के लिए जो भवन का निर्माण हुआ, जिसमें एफमैक के अध्यक्ष व उद्योगपति पूरन डावर के अथक प्रयास का नतीजा है। आगरा के सांसद राम शंकर कठेरिया ने कहा कि जूता उद्योग से हजारों लोगों के घर की रोजी रोटी चल रही है। वैसे तो सांसद हूँ, लेकिन एक कमीशन का चेयरमैन हूँ, और जिस कमीशन का चेयरमैन हूँ यहाँ पर बहुत बड़ी आबादी है, और उस आबादी को यदि सबसे ज्यादा रोजगार देने का काम कोई करता है तो मैं समझता हूँ कि शू इंडस्ट्री काम करती है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी व्यक्त करता हूँ आप सभी का। ये बड़ी समस्या है हमारे सामने। आज जिस तरह की समस्या रोजगार की पूरे देश के अंदर बढ़ रही है, और उसमें जिस तरह शू इंडस्ट्री का योगदान विशेष रूप से आगरा में है, क्योंकि और इतनी बड़ी कोई इंडस्ट्री नहीं है आगरा में, तो विशेष रूप से जिस तरह से कई तरह की चुनौतियां सामने खड़ी हुई है, उनमें अभी जो शू इंडस्ट्री का काम है, और जिस तरह के बताया कि 4,000 करोड़ रुपए का यहां से निर्यात होता है, तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ी उपलब्धि है। मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सत्यदेव ने पूरन डावर की भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा कि जूता उद्योग से जुड़े लोगों के लिए मैं आधी रात तैयार रहता हूं, और एफमैक से जुड़े सभी जूता कारोबारी को सफल आयोजन के लिए बधाई भी देता हूं। मंत्री रामशंकर कठेरिया जी और जिनके कारण आज हमें यहाँ उपस्थित हैं, और मैं समझता हूँ कि जो आज सबके आइकॉन बने हुए हैं, ऐसे श्री पूरन डावर जी, मुख्तार अमीन साहब, आर सेल्वम साहब, पी आर अकील अहमद, राजेश सहगल, कैप्टन ए आर राणा जी, आलोक चौधरी जी, और बांग्लादेश से पधारे हुए सैफुल इस्लाम साहब, और कार्यक्रम में उपस्थित भारत से और भारत के बाहर सभी देशों से जो प्रतिनिधि पधारे हैं, वो सभी प्रतिनिधि और पत्रकार मित्रों, मैं से अद्भुत कार्यक्रम के लिए केवल डावर साहब को नहीं, आप सबको, आपकी एसोसिएशन को बहुत बहुत बधाई देता हूं। फेयर में देश विदेश से आए जूता कारोबारी तथा नई नई तकनीक की मशीनी उपकरण देखने को मिले तथा उनकी खरीदारी भी की। कार्यक्रम का सफल आयोजन सिंगना में चल रहा है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पीके गुप्ता जी, हरीश चिमटी भी मौजूद रहे, जिसमें मीट एट आगरा के 12वें संस्करण का ये उद्घाटन सत्र चला है। ये भव्य और एक ग्रीन निर्माण आगरा ट्रेड सेंटर ये बहुत आगे तक जूता उद्योग को ले जाने वाला है, और ये निश्चित रूप से न केवल जूता उद्योग के लिए बल्कि आगरा के सभी उद्योगों के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है, और निश्चित रूप से जो जिस स्पीड से जूता उद्योग आगे बढ़ा है उससे कई गुना स्पीड से आगे बढ़ेगा। लोगों को वेन्यूज चाहिए, इवेंट्स चाहिए, और ये इवेंट अब अपने नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने जा रहा है। सर, इस बार क्या खास है मीट एट आगरा के? इस बार अगर खास देखें न केवल एशिया देशों के बल्कि
यूरोपियन देशों के, स्पेन हो चाहे फ्रांस हो, इटली हो, ब्राजील हो, तो सभी देश यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नई से नई तकनीक से यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं। आगरा के छोटे से छोटे उद्योगों को भी नई जानकारियाँ मिलेंगी और उनकी गुणवत्ता बढ़ेगी, उनके उत्पादन। डेफिनेटली हम एग्री, लेकिन ये हमारी नहीं पुरानी सरकार की गलती है जो उसने गलत एफिडेविट दे दिया। मंत्री जी, आपने कहा कि आपकी सरकार टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है, आगरा में टूरिज्म के ताज मोनूमेंट है, सारी हेरिटेज सिटी है, उसके लिए सरकार ने क्या किया? रात्रि इससे तक नहीं मिल पाया, यहाँ तक के बुकलेट में से भी ताजमहल का नाम हटा दिया गया। डेफिनेटली हम एग्री, लेकिन ये हमारी नहीं पुरानी सरकार की गलती है जो उसने गलत एफिडेविट दे दी। मंत्री जी, आपने कहा कि आपकी सरकार टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है, आगरा में टूरिज्म के ताज मोनूमेंट है, सारी हेरिटेज सिटी है, उसके लिए सरकार ने क्या किया? रात्रि इससे तक नहीं मिल पाया, यहाँ तक के बुकलेट में से भी ताजमहल का नाम हटा दिया गया।